वो 5 किलो मिठाई को वो पैकेट में से सारी मिठाई निकाल के उसे जो बड़ी वाली थाल आती ना उसमें रख के दी, तो उसने क्या किया कि बॉल आती ना, बॉल का आकार बनाया उसका, बॉल का आकार बना के, और तुम यकीन नहीं करोगे 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 5 किलो मिठाई को 5 मिनट में फ्री कर दिया। तो उसके ऊपर वो बच्चा नहीं था ना, मतलब हाँ। उसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति थी। तो उसने तांत्रिक ने अपनी प्रक्रिया चालू करी और अपने मंत्रों का उच्चारण किया, उसे गोले में बैठा दिया और सब घर वालों को बोल दिया आप दूर रहना, अब इससे मत छूना, ये कुछ भी करे आप इससे दूर रहना, इसे मत छूना। जब उसने उसकी प्रक्रिया चालू करी तो वो ऐसे उठा दे बच्चे को गोले से, पर वो गोले के बाहर नहीं आ रहा, गोले से ऐसे उठा दे और ऐसे गोले में पटक दे। बोले मैं ऐसे लेके जाऊंगा। बोले क्यों लेके जाएगा, तू कौन है और कहां से आया और इस घर में कैसे प्रवेश किया? काउच आता ना, काउच उस पर सोता था, इतनी ऊपर ऐसे उठता था और ऐसे फेंका जाता था, उठता था और फेंका जाता था। इनके भाई सन आके खिंच गए, इन्होंने घर कॉल किया और कॉल करके फिर सबको बताया, भाई फिर सब एकत्रित हो गए कि भाई ऐसी क्या चीज है। अब भाई पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो इन चीजों को बहुत ज्यादा नोट करते हैं, गांव में तो कैसे चलते ही रहता है। भाई उन्होंने क्या किया कि जो मेरे जियाजी के फादर थे वो इन चीजों में थे और उन्होंने तांत्रिक जो मतलब उनके पहचान वाले थे उनसे संपर्क किया कि हमारा बच्चा ऐसे सो रहा है, रात में 1:30 बज रहे हैं। तो जो तांत्रिक ने वहां से जो उसे करना था तो उसने तो देख लिया क्या है, तो बोले कि मैं सुबह तक आऊंगा। अब नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी न्यूज़ फैक्ट में स्वागत है एक और छोटी सी हॉरर स्टोरी के साथ। ये हॉरर स्टोरी मेरी खुद की घर की पर्सनल है और आज मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हॉरर स्टोरी मेरे घर की है, मेरे घर की इन द सेंस मतलब जो मेरे परिजन लोग हैं, मतलब मेरी जो दीदी है मेरे मामा जी की लड़की, उनकी जब शादी हुई, शादी होने के बाद वो उनके ससुराल गई, तो ससुराल में क्या हुआ कि जो मेरे जियाजी हैं उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी, जो उन्होंने घर बनाया था वो उसमें शिफ्ट होना चाह रहे थे। तो इनकी जो फैमिली थी, मतलब मेरे जियाजी के जो फादर थे, मम्मी थी और उनके जो बहन भाई थे, सब एक ही घर में रहते थे। शादी के 1 महीने बाद ये वो नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। तो 1 महीना बीता शादी का, हमारी दीदी गई, शादी का 1 महीने बीतने के बाद फिर हम इन्होंने सोचा कि हम वहां शिफ्ट हो जाएं। ये 1 महीने बाद उसमें शिफ्ट हो गए। शिफ्ट ऐसे हुए कि सबसे पहले जो हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ होती है, हवन होता है, वो सब कुछ हुआ रीति रिवाज से, घर का उद्घाटन प्रवेश वो सब कुछ हुआ नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आए प्रॉपर, मतलब नॉर्मल हुआ। और जाने के बाद वो रहने लगे उसमें। अब उसमें रहने लगे तो हफ्ते भर ही हुए थे, तो हमारी जो दीदी है और हमारे जीजाजी हैं, तो हमारे जीजाजी के जो भाई हैं उनका एक लड़का है 15 साल का, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो भी साथ में रहता था, क्योंकि मतलब वो साथ में रहने लगा, वही रुका था तो रह रहा था। तो क्या हुआ कि 2-3-4 दिन हुए, मैक्सिमम हफ्ते भर हुए होंगे, हफ्ते भर में हफ्ते भर कुछ नहीं हुआ, पर उसमें थोड़ा वो बहुत चुलबुला टाइप का था, चुलबुला टाइप के ऐसा था, बहुत हरकत करता था और एकदम से अपसेट हो जाना, किसी से कोई बात नहीं करना, रूडली व्यवहार करना, तो फिर अजीब सा लगता है ना सबको। घर में नोटिस किया होगा कि बच्चा ये पहले ऐसा नहीं था। हाँ, उससे पूछा तो उसने बोला नहीं मुझे वो, अब ये भी समझ सकते हैं भाई दूसरी जगह से यहाँ न्यू जगह शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से सामने वाले को इस तरीके का लग रहा है। तो पर वो नॉर्मल रिस्पॉन्स देता था। अच्छा, नाइट में क्या होता था कि जो बेडरूम है, हमारे जियाजी का बेडरूम है, उससे ही जस्ट वो लगा हुआ था हॉल, एक गेट खोलो तो बेडरूम में पहुंच जाते हैं, एक गेट खोलो तो हॉल में आ जाते थे। अब होता क्या है कि जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हुई 1 हफ्ते बाद से। अच्छा। हाँ, हमारे जियाजी की जो बेडरूम का गेट है उन्होंने ये चीज नोट करी 1-2 बार कि नाइट में, और जो उनका जो भतीजा था वो हॉल में सोता था और ये बेडरूम में सोते थे, और एक रूम ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, लेट बात थी। पर होता क्या था कि नाइट में जब भी 11-12 बजते थे ना, तो जो बच्चा था वो अजीब सी हरकत करने लगता था, हंसने लगना, कभी चिल्ला चोट करने लगना, तो वो जैसे ही आवाज सुनते थे वो बाहर आते थे, और बाहर आने के बाद उन्हें नॉर्मल लगता था वो सो रहा है, वो सो रहा है, पर उन्हें ऐसी आवाज आती थी उनके बेडरूम में कि सामने वाला हंस रहा है कभी, मतलब इस तरीके की आवाज आती थी उस बंदे की जो बच्चा था वहां। तो उन्होंने एक बार देखा और अपना गेट लगा लिया, अपना गेट लगा के अंदर गए, 15-20 मिनट बाद रात में 1:30 बजे होंगे, हमारी दीदी ने बताया, वो गेट आपसी उनके रूम का गेट, जबकि वो लॉक करके गए हैं, जैसे ही खुला और खुलने के बाद एकदम से टकराते हैं ना दीवार से, दीवार में गेट, हाँ एकदम से टकराया बहुत स्पीड से। तो हमारे जीजाजी फटाक से उठे कि क्या हो गया, उन्होंने गेट देखा, भाई उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से याद है कि वो गेट में जो ऊपर कुंडी रहते ना वो लगा गए थे नॉक, और फिर अचानक से वो गेट का खुलना। ऐसा तो नहीं हेमंत भाई कि कहीं से खिड़की विंडो वगैरह खुली हो तो हवा का झोंका आया उससे? नहीं मेरे भाई, वो तो
3BH तुम पूरा पैक रहता अंदर से। हाँ ये बात भी सही है कि तो जब पेक है तो मतलब ही नहीं फिर पेक है। और मतलब ये चीज उनके साथ दो चार दिन से घटित हो रही थी, उन्हें धीरे धीरे रिलैक्स हो रही थी, पर उस दिन क्या हुआ कि एकदम से गेट का अचानक टकराना, तो वो इस चीज को देखकर और भी सॉल्व हो गए। तो मेरी जियाजी और दीदी दोनों उठकर बैठ गए कि हुआ क्या एकदम से। तो फिर दीदी ने बताया कि गेट खुला है, तुमने गेट नहीं लगाया था? तो बोले नहीं, मैं गेट की कुंडी लगा के मैं खुद आया था, उन्होंने ये चीज बताई। फिर हमारी दीदी डर के कारण सोई नहीं और दोनों बैठे रहे। अब ये बच्चा क्या करता कि अचानक से इसके हॉल से हंसने की आवाज आती है और वो प्रॉपर सो रहा है लेकिन आवाजें आ रही हैं। और जब वो सुबह उठता है वो खाना खाता है, नॉर्मल व्यक्ति 15 साल का बच्चा कितनी रोटी खाएगा? तुम्हारे हिसाब से 2-3-4 रोटी। भाई वो उसका रूटीन था 3-4 रोटी खाता था, और वो बच्चा कम से कम भाई 8-10 रोटी एक बार में खाता है और अजीब सा रिएक्ट करता है ऐसे देखता है वो। मतलब हमारी दीदी चाची का ही रिश्ता, चाची बोलता था वो अजीब सा देखता था ऐसे। घर वालों ने इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि एक तो क्या रात को अलग अलग एक्टिविटी होना घर पे, हाँ। और बच्चे का एकदम से रहन सहन बदलना, चेंज हो जाना पूरा। और एक दिन नाइट में ऐसे हुआ, शायद अमावस्या पूर्णिमा वाला दिन होगा, तो उस टाइम तो वो बोलते ना उग्र रूप ले लेना, बड़ा रूप ले लेना। उस टाइम उन्होंने देखा ये सोए 12-1 बजे नाइट में, और नाइट में उसके शरीर में वो चीज प्रवेश करी होगी जो गलत चीज होगी। लोगों अब इन्होंने इतना नोट नहीं किया था, पर उस दिन जब उसके साथ हरकत हुई वो उछला चिल्ला उस रूम से, इसके हॉल से आवाज आने लगी। तो वो लड़का इतनी ऊपर जाता है, ये देखने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सोफे पे वो सोता था, जो काउच आता ना काउच, उस पर सोता था, इतनी ऊपर ऐसे उठता था और ऐसे फेंका जाता था, उठता था और फेंका जाता था। इनके भाई सना आके खिंच गए, इन्होंने घर कॉल किया और कॉल करके फिर सबको बताया। भाई फिर सब एकत्रित हो गए कि भाई ऐसे क्या चीज है। अब भाई पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा नोट करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, हमने गांव में तो कैसे चलते ही रहता भाई। उन्होंने क्या किया कि जो मेरे जियाजी के फादर थे वो इन चीजों में थे, और उन्होंने तांत्रिक जो मतलब उनके पहचान वाले थे उनसे संपर्क किया कि हमारा बच्चा ऐसे सो रहा है, रात में 1-1.5 बज रहे हैं। तो जो तांत्रिक ने वहां से जो उसे करना था तो उसने तो देख लिया क्या है, तो बोले कि मैं सुबह तक आऊंगा। अब वो भाई सुबह तक क्या ये परेशान, अब रात बिताना मुश्किल। घर उन्होंने ऐसा बनाया था कि इनके जो फैमिली वो आसपास ही रहती थी, मतलब 3-4 किलोमीटर के दायरे में, तो उन्हें आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट आ गए। पर इनके साथ दिक्कत खड़ी, पूरी नाइट इनकी ऐसे ही निकली। वो सब लोग आ गए, फिर उसे पकड़ा, उसे कंट्रोल में किया कि ऐसे क्या हरकत कर रहा भाई, बांधा उसे, भाई उछलना इतनी ऊपर, मतलब दीवान काउच से इतनी ऊपर ऐसे उठना नॉर्मल बात नहीं, मतलब कुछ तरीके का ये सीन था कि जैसा कि हम लोग मूवी में देखते हैं। हाँ, सेम कंडीशन सामने। तो फिर जब ये चीज सामने आई ना, तो दूसरे दिन जब तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने बोला कि भाई ये तो बड़ी चीज, उसने नाइट में फोन किया तो उसने बता दिया था कि ये जिन है। सब घर वाले परेशान, बोले अब ये कैसे क्या उतरेगा। तो उसने क्या किया, जो तांत्रिक में जो विद्या होती है ना, फिर उसने कहा तुम मेरे यहाँ लेके आओ ऐसे। तो पूरी फैमिली उसके यहाँ गई, फिर उसने जो तांत्रिक विधि, उनकी जो विधि भी चलती है वो उन्होंने किया, घेरा एरा बनाया, जो तांत्रिक है उसका घेरा बनाया, फिर ऐसे किसी घेरे में बैठा। फिर बलि वगैरह मांगी थी जिनने, कुछ खाने पीने के आइटम में उसकी, हाँ उसकी डिमांड थी भाई खाने की। उन्होंने कहा पहले तो उसने, तांत्रिक ने अपनी प्रक्रिया चालू करी और अपने मंत्रों का उच्चारण किया, उसे गोले में बैठा दिया और सब घर वालों को बोल दिया आप दूर रहना, अब इसे मत छूना, ये कुछ भी करे आप इससे दूर रहना, ऐसा मत छूना। जब उसने उसकी प्रक्रिया चालू करी तो वो ऐसे उठा दे बच्चे को गोले से, पर वो गोले के बाहर नहीं आ रहा, गोले से ऐसे उठा दे और ऐसे गोले में पटक दे। बोले मैं ऐसे लेके जाऊंगा। बोले क्यों लेके जाएगा, तू कौन है और कहां से आया और इस घर में कैसे प्रवेश किया? तो फिर उसने बताया कि मैं तुझे एक ही सर पे बताऊंगा, तू मुझे खाने के लिए ये चीज लेके आएगा। तो बोले कि तुझे क्या चाहिए इसके शरीर से निकलने का वो बता। बोले मैं 2 मिनट, तांत्रिक बोले मैं तुझे 2 मिनट में निकाल के फेंकूंगा। तो बोले निकाल के बता। तो फिर इन्होंने कहा भाई, जब उनकी डिबेट हुई आपस में तो इन्होंने कहा यार नॉर्मल तरीके से पेश आता है। जब उसने नॉर्मल तरीके से, तांत्रिक ने बोला अच्छा तू इसके शरीर से निकलने का क्या लेगा? तो बोले कि 15 साल का बच्चा एक अजीब सी आवाज में बोल रहा है कि मुझे पहले 5 किलो, बोलते हैं ना कलर वाली मिठाई होती है, बजरंगा मिठाई। हाँ, तो बोले कि वो 5 किलो मुझे मिठाई दे, 10-15 किलो तुम दूध लेके आओ और शक्कर लेके आओ। तो लोगों ने कहा शक्कर? बोले अच्छा ये हम तुझे दे देंगे, उसके बाद तू क्या करेगा? बोले पहले लेके आ, उसके बाद मैं बात करूंगा, और अगर ये लेके आ गए तो मैं निकल जाऊंगा इसके शरीर से, इसे परेशान नहीं करूंगा। और ये बोल मतलब उसने फिर ये हिस्ट्री बताई कि उसने पहले पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए रूम में। तो फिर उसने बताया कि मैं यहाँ पहले से था, मैं बहुत
पुराना हूँ यहाँ पर। उसका मतलब एक हिसाब से उसका स्थान होगा जगह पर। हाँ, वो जहाँ इन्होंने जीजाजी ने जो घर बनाया था ना, तो वो स्थान पर ही होगा पहले से, बहुत पहले से। अब इन्होंने घर बना लिया, तो भाई घर बना लिया, अब इतनी बड़ी चीज वो नॉर्मल तरीके से मान रही क्या? वो तो ऊपर तक परेशान कर, उसके घर को तोड़ के अपना घर बना लिया। मतलब वो जहाँ रहता था उसका घर टूट ही गया, फिर तो उसने परेशान करना इन्हें चालू कर दिया। बोले मैं तो इन्हें जानता तक नहीं था, और अगर तू बीच में नहीं आता ना तो इसकी मैं कुछ टाइम में से लेके चला जाता, बल ले लेता इसी की। तो भाई जब सबको ये चीज पता चली और नॉर्मल तरीके से उन्होंने मिठाई, उसने मिठाई मंगाई, तांत्रिक ने बोला कि जिस इसने जो जो चीज मंगाई वो लेके आओ, सब लेके आया। तो उसने पता क्या किया भाई, अब पता था इसके अंदर जिंद है, पर जो बच्चा था, बच्चे की उम्र कितनी थी? 15 साल। 15 साल का बच्चा 5 किलो मिठाई। अब कोई भी व्यक्ति भाई अपन है, अपन मुश्किल से 5 मिठाई खाएंगे, ढेर हो जाएंगे, फिर नहीं खाएंगे एक। सही बात है। पर वो बच्चे ने क्या किया, वो 5 किलो मिठाई को वो पैकेट में से सारी मिठाई निकाल के उसे जो बड़ी वाली थाल आती ना उसमें रख के दी। तो उसने क्या किया कि बॉल आती ना, बॉल का आकार बनाया, उसका बॉल का आकार बना के, और तुम यकीन नहीं करोगे 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 5 किलो मिठाई को 5 मिनट में फ्री कर दिया। तो उसके ऊपर वो बच्चा नहीं था ना, मतलब हाँ? उसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति थी। अब भाई ये चीज देख के सबको तो पता था कि इसके अंदर कुछ हो रहा है, पर छोटे बच्चे को इतनी बड़ी, मतलब 5 किलो मिठाई खाना, और फिर उसने कहा ये दूध ले, तांत्रिक ने बोला ये दूध रखा है ये भी ले ले, तो बोले कि तेरा बाप डालेगा इसमें शक्कर, तांत्रिक से डायरेक्टली बोले तेरा बाप डालेगा शक्कर इसमें। तो फिर जो उनके जो तांत्रिक के चेले थे उसने उसमें शक्कर डाली, उसे एकदम चाशनी जैसा, बोले मीठा होना चाहिए, उसे मीठा किया और कम से कम 5 मिनट तक उसमें वो घुमाई, तब वो मीठा हुआ। तुम यकीन नहीं करोगे 5-10 किलो दूध को उसने एक बार भी डकार नहीं ली, और थोड़ा सा भी नहीं गिरने दिया भाई, थोड़ा बहुत तो गिरता, उसने एक बार लगाया तो नीचे ही नहीं उतारा, उसे खत्म किया। और फिर उसने बोला कि मेरी ये चीज डिमांड पूरी कर दो, जिस जगह पर तुमने मुझे, मतलब मेरी जो जगह थी उस जगह पर तुमने घर बना लिया, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मुझे वहीं पर रहने दो। बोले नहीं, वहां से तो तुझे जाना पड़ेगा। बोले मुझे स्थान दो। फिर उसे तांत्रिक ने, हाँ तांत्रिक ने उसे अपनी विधि से रखा, पेड़ बताया था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस पेड़ के पास बोले वहां मुझे स्थान देना, तो फिर वहां छोड़ दिया उसे। बरगद पेड़ था ना, पीपल वगैरह का, मुझे वो चीज याद नहीं आ रही, पीपल पेड़ में 36 करोड़ देवी देवता रहते, पर ये भी चीज रहती है। ऐसी एक छोटी सी कहानी अमन भाई, मतलब मैंने कहीं देखा है कि कोई सा गांव था, वहां से रेलवे लाइन डल रही थी, मैंने इसको देखा है, सुना भी है इस कारण। तो वहां से 2 डबल लाइन बननी थी, मतलब फर्स्ट टाइम वहां से पहली लाइन थी, दूसरे को फिर से डाल रहे थे डबल लाइन करने के लिए। तो क्या होता था, जब कर्मचारी काम करते थे तो दिन में वो काम करके चले जाते थे, रूट कंप्लीट कर देते थे, लेकिन बट वो जो दूसरे दिन जब आते थे तो वो जो लाइन थी वापिस टूटी फूटी रहती थी, वो अलग पड़ी रहती थी, पड़ी रहती थी। हाँ, तो ऐसा करते हुए, मतलब वो उनका यही काम था, जब पहले दिन किया शाम तक उनने रूट बना के, एक 3 से 4 किलोमीटर का दायरा था, पूरी लाइन सही रहती, लेकिन जो 4 किलोमीटर का दायरा था वहाँ बीच पे लाइन वो बना के जाते, तो दूसरे दिन पूरी लाइन टूट जाती थी रेलवे की पटरी। तो ऐसा उनने, अब वो समझ नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा हो सकता थोड़ी दूर में गांव था, किसी ने कुछ हरकत करी हो, वो किया, फिर दूसरे दिन उन्होंने वही प्रक्रिया की, उसको बना दिया। लेकिन फिर जब वो शाम के बाद दूसरे दिन आए, फिर वही जब ये बात 2-3-4 बार उन्होंने से करके देख लिया, जब ऐसा हुआ तो उन्होंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी, जो रेलवे के कर्मचारी थे बड़े बड़े इंजीनियर, वो लोग आए उनके सामने, वो ही रात में वो लोग रुके, फिर मतलब फिर से वही कार्यक्रम उन्होंने किया कि लाइन को बिछा दिया, और रात में उस दिन उनके बड़े बड़े इंजीनियर सब लोग रुके, सब जगते रहे, वो नहीं हुआ, पता नहीं उनकी कब झपकी लगी, फिर लाइन दूसरे दिन वही कंडीशन टूट गई। ऐसे करते करते करीब 15 दिन बीत गए, और वो सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उस लाइन को रूट को कंप्लीट करना था। उसके बाद में क्या हुआ, गांव के गांव पे गए, वहां उन्होंने पूछा कि हम लोग यहाँ ऐसा ऐसा काम करते, एक पंडित जी थे, मतलब थोड़ी से जानकारी थी पंडित जी को, काफी अनुभव था उनका, उनसे पूछा कि पंडित जी आप बताइए, भाई बड़े इंजीनियर लोग जो थे रेलवे के वो गए, उनने पूछा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। फिर उनने देख के बताया कि आपके जो वर्कर थे, जो पहली लाइन थी वो ठीक थी, लेकिन जहां उनने दूसरी लाइन बिछाने के लिए चालू की ये प्रक्रिया, वहां एक बाबा का स्थान था। अच्छा, बाबा के स्थान के कारण? हाँ, तो उनने क्या किया था, उस स्थान को तोड़ दिया था।
बाबा को हटा के पेड़ के नीचे बिठा दिया और तोड़ दिया। तो बोल लगे आप जब भी काम करके जाते हो वो रात को आके बाबा वो करते हैं, पूरे बिखेर देते हैं, पूरे बिखेर देते हैं। तो ये रियल घटना है, कोई कहानी नहीं है। आप तो क्या हुआ, फिर उनने बोला इंजीनियर लोगों की, बाबा आप बताओ हमें इस कार को तो करना है, इसके लिए क्या करें। तो फिर उन पंडित जी ने बताया कि आप कुछ मत करो, उन बाबा से सबसे पहले जाके गलती मनाओ, उसके बाद में उन्हें एक दूसरी जगह स्थान दो और पूजा पाठ करो, उसके बाद में आपका कार्य सफल होगा। आप मानोगे नहीं, वो इंजीनियर लोग गए और उनसे गलती बनती मनाई, दूसरी जगह अच्छा सा एक मंदिर बनवाया बाबा का और वहां पे उनको स्थान दिया और उनसे गलती बनती बनाई। और उसके बाद में फिर वो लाइन का दोबारा डाली गई और उसके बाद से फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब नॉर्मल तरीके से। तो भैया ये चीज होती है, देखो जिन्नाथ के साथ भी यही चीज होती है कि उन्हें भी स्थान चाहिए, नहीं तो वो जिसके ऊपर आ गए उसे छोड़ते नहीं है। हाँ। मतलब बहुत स्थिति ऐसी जो जिन्नाथ रहते हैं ना, वो तो स्थिति ऐसी कर देते खत्म वाली, तुमको छोड़ा किसी, मतलब फैमिली में एक फैमिली पे आ गए ना तो धीरे धीरे, अगर वो नहीं पढ़ पाते ना कोई व्यक्ति, तो वो धीरे धीरे उसी फैमिली के कई लोगों को खा लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।